Hello students, yesterday I had explained the traditional techniques of the irrigation. Irrigation ke traditional method aapko explain kiye the, moat, pulley system, chain pump, dhekli and rahat. Ye maine aapko explain kiye the. Today in this video I will explain the modern techniques, modern methods of the irrigation, just like the sprinkler system and the drip system. Ye wo technique hain jisme aapki manual labor nahi lagti hai. आपकी और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वाटर जो है, वाटर की जो वेस्टेज है वो नहीं होती है. इट मींस कि वाटर आपका प्रिवेंट रहता है, वेस्टेज नहीं होती है. सो दीज आर द मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स फॉर द इरिगेशन. देखेंगे आप इसमें क्या होता है कि ये आप जो फील्ड है आपका, पहला मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर, पानी स्प्रिंकल करना है, छिड़काव करना है. कैसे छिड़काव किया जाएगा कि सपोज दैट ये आपका एक फील्ड है, इसमें आपको अंडरग्राउंड वाटर इनटेक करना है, आप वेल से, ट्यूबवेल से, जैसे भी आपको लेना है. ये आपकी एक मशीन है, पंप है, जो कि पानी को ऊपर लाएगी. इस अब यहां से जो पानी ऊपर, इस पाइप से एक मेन पाइप लगा होगा, दिस इज अ मेन पाइप जो कि पानी कैरी करेगा, इस अंडरग्राउंड वाटर को कैरी करेगा. यहां से जो पानी जाएगा, अब ये आपका फील्ड है, इस फील्ड में इस पाइप से कनेक्ट होंगे सारे हॉरिजॉन्टल पाइप से. ये आप देख रहे हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ये सारे हॉरिजॉन्टल पाइप से जो खेत में बिछा दी जाएंगे. ठीक है, इस पाइप की थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर, आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर, मैं पेन रख रही हूँ यहाँ पर, इन थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर ये वर्टिकल पाइप्स लगे हुए. यानी आपको पहले हॉरिजॉन्टल पाइप लगा रहे हैं, पहले आप हॉरिजॉन्टल पाइप रखेंगे, फिर ऐसे पहले हॉरिजॉन्टल रखेंगे और फिर उसके ऊपर ऐसे खड़ा, ऐसे स्टैंडिंग पाइप रख देंगे. ठीक है, तो आप ऐसे खड़े पाइप रखेंगे, यानी आपको पहले ऐसे रखना है, पहले तो ऐसे रखेंगे और फिर उनके ऊपर ऐसा खड़ा कर देंगे उसको. ठीक है, जब ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल पाइप हो गए, ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल पाइप के ऊपर आप वर्टिकल पाइप रख देंगे. इस वर्टिकल पाइप के इस पॉइंट पर, ये ऊपर का पॉइंट है, इस पर एक रोटेटिंग नोजल होगा. यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रोटेटिंग नोजल है जो 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर रोटेट करेगा चारों डायरेक्शन में. और अब इस मेन पाइप से जब आप इसको ऑपरेट करेंगे, तो इस मेन पाइप से जो पानी आएगा, वो पानी सभी पाइप्स में, यहाँ यहाँ सभी पाइप में कैरी करेगा वाटर को. और पानी के प्रेशर की मदद से रोटेटिंग नोजल स्टार्ट होगा चारों डायरेक्शन में घूमना, और पानी जो है ऐसे फाउंटेन की तरह बाहर निकलेगा, स्प्रिंकल होगा, ऐसे पूरे खेत को पानी मिल जाएगा और पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी. देखते इधर, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर द सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल. सो द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप, परपेंडिकुलर पाइप्स है, तो रोटेटिंग नोजल्स हैं, आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल. जो पाइपलाइन जा रही है उससे रेगुलर इंटरवल पर वर्टिकल पाइप जुड़े हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट, वेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब इस मेन पाइप से पानी अंदर जाएगा, देन अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स, पानी नोजल से बाहर निकलेगा. इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप इफ इट इज रेनिंग, ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है, इस टाइप से फुव्वारे की तरह बाहर निकलेगा. इट इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल, यानी इससे क्या होगा, पूरी आपकी सॉइल को वाटर में मिल जाएगा और आपकी पानी की वेस्टेज भी नहीं होगी. इससे ज्यादा मोर एफिशिएंट मेथड हो गया आपका ड्रिप सिस्टम. ड्रिप का मतलब समझते हैं बूंद 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 करके पानी आना है, और पानी की सॉइल में मॉइस्चर बना रहेगा, प्लांट की रूट्स को पानी मिल जाएगा और वेस्टेज नहीं. सो दिस इज अ मोर एफिशिएंट मेथड रादर देन द स्प्रिंकलर सिस्टम. तो आप क्या देखते हैं, इसमें वही सेम टेक्निक है, अंडरग्राउंड वाटर को इनटेक किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ द मशीन. ये मेन पाइप है, इस मेन पाइप कैरी करेगा, ये आपके हॉरिजॉन्टल पाइप्स लग रहे हैं, आप देख रहे हैं खेत में आपके हॉरिजॉन्टल पाइप्स है. इन इसमें वर्टिकल पाइप नहीं है, एक बात है कि यहाँ यहाँ डिफरेंस, वर्टिकल पाइप नहीं है. इस हॉरिजॉन्टल पाइप में थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर आप देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस है, ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर पाइप के छोटे छोटे माइन्यूट होल्स बने हुए, छेद बने हुए हैं. ठीक है, तो जब यहाँ पानी आएगा बाहर निकल के, तो इन छेदों से, ये छेद ही इतने छोटे हैं, इनसे केवल बूंद बूंद करके ही पानी जिसता रहेगा, बाहर आता रहेगा. तो जैसे ये पानी आपको ऑपरेट किया जाएगा इन, इस मेन पाइप के जरिए, इन सभी पाइप में पानी जाएगा जो हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैं, और इन छेद के जरिए बूंद बूंद करके ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी इसमें से बाहर आता रहेगा. सॉइल गीली रहेगी, सॉइल को मॉइस्चर मिलता रहेगा और प्लांट की रूट आसानी से उसको इनटेक कर सकती है, इससे पानी की वेस्टेज नहीं होगी. सो दिस इज द मोर एफिशिएंट मेथड रादर देन द स्प्रिंकलर सिस्टम. देखिए ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज. द सिस्टम प्रोवाइड वाटर टू द प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देता है. वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी वेस्ट नहीं होता. इट इज बून इन द रीजन, इट इज ए बून इन द रीजन वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द पुअर, जहां पर ज्यादातर अच्छा है, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बिल्कुल पुअर है, तो आपकी जो है सॉइल है मॉइस्चर बना रहता है सॉइल में और प्लांट्स को पानी भी मिल जाता है. ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक, आपकी नेक्स्ट एग्रीकल्चर टास्क हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स से कैसे हम अपनी फसल को कैसे
प्रिवेंट करते हैं। आप जानते हैं वीड्स क्या होते हैं? देखिए सॉइल है, सॉइल में तो सभी तरह के प्लांट्स आपके ग्रो कर जाते हैं, तो वीड्स का मतलब होता है अनडिजायरेबल प्लांट्स। आप देख रहे हैं मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे अनडिजायरेबल प्लांट्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स। जो आपने क्रॉप लगाई है वो तो आपकी डिजायरेबल है, उसके साथ साथ कुछ आपकी सॉइल में अनडिजायरेबल प्लांट्स निकलते, कोई भी घास हो गया, बथुआ हो गया, चलाई, वो सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अनवांटेड हैं, वो निकल आते हैं और उनको हटाना भी जरूरी है, उनको रिमूव करना जरूरी है। उनको रिमूव करने का प्रोसेस द रिमूवल ऑफ वीड्स आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड वीडिंग कहलाता है। हाईलाइट्स कर रही हूँ यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द वीडिंग कहलाता है। जरूरी क्यों है? क्योंकि वो भी तो प्लांट हैं। आप जानते हैं जब वो भी प्लांट हैं तो वो सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, तो सॉइल से ही वो न्यूट्रिएंट्स लेंगे, सॉइल में स्पेस लेंगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए लाइट लेंगे। तो जो हमारे डिजायरेबल और अनडिजायरेबल क्रॉप्स हैं उनके बीच में फाइट होगी, इससे हमारी जो डिजायरेबल क्रॉप है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होगी। इसलिए जरूरी है कि हम उनको टाइम टू टाइम वीड्स को रिमूव करते रहें। सो दिस मेथड इज कॉल्ड द वीडिंग। क्या कहलाता है ये? वीडिंग कहलाता है। तो आप देखेंगे फार्मर इनको कैसे रिमूव करता है। देखो कहीं पर कैसे इनको रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं, मैंने आपको पहला टास्क पढ़ाया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जाती है। जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, हो की मदद से करते हैं, चाहे प्लो की मदद से करते हैं, चाहे हम कल्टीवेटर की मदद से सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने का मतलब हो गया सॉइल को आप ऊपर नीचे करते हैं, टर्न अप कर रहे हैं, ठीक है, खाली जमीन को टर्न अप कर रहे हैं। जब आप उसको टर्न अप करते हैं तो उसके अंदर कोई भी घास वगैरह होती है, सीधी सी बात है अपरूट हो जाएगी, उखड़ जाएगी। तो एक तो हो गया वीडिंग यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात, आप जब बीजों को मिट्टी में डालते हैं, बीज को जब मिट्टी में डालते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सीड ड्रिल की मदद से, जब भी आप बीजों को मिट्टी में डाल रहे हैं तब भी सीड ड्रिल के जो शार्प एंड्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था शार्प एंड्स होते हैं, जब वो मिट्टी में जाएंगे उससे भी जो थोड़े बहुत आपके वीड्स आए हुए हैं वो भी उखड़ जाएंगे, वो भी अपरूट हो जाएंगे। एक तो हुई है ये। दूसरी बात ये होगी कि अब आपने मिट्टी भी तैयार कर दी, बीज भी डाल दिए, अब आपकी फसल बनके तैयार होती जा रही है खेतों में, तो अब वो तो मिट्टी है, उसमें तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए जब आपकी फसल, आपकी डिजायरेबल क्रॉप ग्रो हो रही है, साथ साथ उसमें आपकी अनडिजायरेबल क्रॉप्स भी, अनडिजायरेबल जो आपके प्लांट्स हैं जैसे बथुआ, चौलाई, ग्रास वगैरह, ये आपके निकल आते हैं, तो इनको भी निकालना जरूरी है, अदरवाइज ये आपकी जो डिजायरेबल क्रॉप्स है उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। किसी भी वीड्स को निकालना हमें कब निकालना होता है? जब उसमें फ्लावर्स और सीड ना आए उससे पहले हमें निकालना चाहिए। आप देख रहे हैं द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। किसी भी वीड में हमें तब निकालना है किसी वीड को जब उसके अंदर फ्लावर और सीड ना आए, क्योंकि उससे वो पक जाएगी, जल्दी हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, जब उसमें फ्लावर सीड आ जाएंगे तो उससे नई जनरेशन उसके आगे बढ़ेगी, इसलिए हम उसको पहले ही निकाल लें ताकि उसमें फ्लावर सीड आए ना, और हम उसको पहले ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिमूव करने के लिए हम यहाँ दो टेक्निक्स पढ़ेंगे। एक तो हो गया मैनुअली का मतलब हाथ से, जब आपके पूरा डिजायरेबल क्रॉप तैयार हो चुकी है और उसमें जो वीड्स आ रखे हैं, अब उसको आप प्लोइंग नहीं कर सकते, आप उसमें कल्टीवेटर नहीं चला सकते, तो अब आपको हाथ से करना है। हाथ से करेंगे तो मैनुअली यानी खुरपी का सहारा लेंगे, आप देख रहे हैं खुरपी की मदद से। तो अब एक फार्मर क्या करेगा, खुरपी से पकड़ पकड़ के धीरे धीरे मिट्टी को टर्न अप करता रहेगा और वो वीड्स को जाना वीड्स है उनको निकाल देगा। लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस, खुरपी से टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो क्या यूज करेगा, वीडीसाइड यूज कर सकता है। वीडीसाइड का मतलब होता है केमिकल्स। बहुत बड़े खेत को आप कैसे करें, खुरपी से तो बहुत टाइम लग रहा है, तो वीडीसाइड का सहारा लेगा। वीडीसाइड का मतलब होता है केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स। अब हम केमिकल्स को छिड़काव करते हैं, स्प्रे करता है वो, क्या करता है वीडीसाइड, वो केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स को तो नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन आपकी डिजायरेबल क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यानी जब जो वीडीसाइड्स होते हैं उन वीडीसाइड को वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, डायल्यूटेड विद वाटर, आप देख रहे हैं वाटर में डिजोल्व करके उसको स्प्रेयर्स में डालकर स्प्रे कर देते हैं प्लांट्स पर, ठीक है। उससे वीड्स की जो ग्रोथ होती है वो तो रिटार्ड हो जाती है, वो तो रुक जाती है, और आपकी जो डिजायरेबल क्रॉप उस पर कोई नुकसान नहीं होता। तो आपका एक है वीडीसाइड का एग्जांपल 2,4-D, दैट इज अ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, ठीक है। इसको मैं पीडीएफ फाइल में इसकी फुल फॉर्म दे दूंगी आपको। तो आपके ये वीडीसाइड्स हुए, तो इनको इसका छिड़काव करने से पहले एक फार्मर को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसे मास्क लगा लेना है ताकि वो उसकी जो वेपर्स है वो इनहेल ना हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको क्योंकि केमिकल्स हैं, केमिकल्स हाथ वगैरह में नहीं जाए, तो इस जब आप उसको हटाएं तो आप उसको हाथ को अच्छे से वॉश कर लें, ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से वो स्प्रे कर रहा है बांध के, इससे क्या होगा कि स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड इज अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स। जो वीडीसाइड की जो जब वो स्प्रे करता है तो हमारे फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। सो ही शुड यूज द केमिकल्स वेरी केयरफुली, दे शुड कवर द नोज एंड माउथ, अपने माउथ को अच्छे से मास्क वगैरह ढक लेना है विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमेशा ये कि ये जो आपके वीडीसाइड यूज कर रहे हैं, ताकि आपको अगर आप चाहें तो ये वीडीसाइड को आप उन वीड्स की यूज कर रहे हैं, तो आप जो वीड्स हैं उनकी बिफोर दे कन्वर्ट इनटू द फ्लावर एंड सीड, की वो फ्लावर और सीड बना उससे पहले आप उनको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि उनकी वो आगे ना बढ़े, उनकी जनरेशन आगे ना बढ़े और आप उनको स्टॉप
कर सको. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.